हॉस्पिटल में खा लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो? आप सभी का एक और नए व्लॉग में स्वागत है। तभी यार मैं नहा धोकर फुल ऑन रेडी हो चुका हूँ, अब समय खाना खाने का और आज का दिन शुरुआत हो चुका है। देखते हैं आज के दिन कैसे क्या गुजरने वाला, कैसे क्या व्यतीत होने वाला है। तो चलिए पहले फटाफट से भोजन ग्रहण करते हैं और बाकी काम करते रहेंगे यार। तो गाइस खाने पे बैठ सकूं और अम्मी का भी खा रहा है मेरे साथ। खाने पे दाल चावल रोटी है ना बेटा? हाय तो कर दो। ले लाल अंगना। तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ खेत और दोपहर का टाइम हो रहा है, करीब 3 बज रहा। और अभी मैं खेत आया हूँ कुछ काम से, क्योंकि चूहों ने काफी ज्यादा हुल्लंगा मचा रखा है यार गेहूं के बीचों पे। गेहूं के बीचों पे घर बना रहा है रहने के लिए, गेहूं को नुकसान हो रहा है, इस वजह से मैं उनके लिए कुछ उपाय करने आया हूँ ताकि गेहूं को नुकसान ना करे। तो मैं उनके लिए लेके आया हूँ मुरमुरा, चूहों को मुरमुरा खिलाता हूँ ताकि गेहूं को ना खाए और नुकसान ना करे। पहले चूहों से पहले मैं खा लेता हूँ। सापे मुरमुरा लेके आया मैंने चूहों को खिलाने के लिए, थोड़ा सा मैं खा लूँ फिर चूहों को खिलाते हैं। तो ये गाइस मुरमुरा का पैकेट, अब चलिए निकलते हैं चूहों को खिलाते हैं। तो गाइस चूहों ने ऐसा खोद रखा यार खेतों के बीच में, ये देखो यहाँ यहाँ पे खोदा, वहाँ पे गेहूँ का पूरा नुकसान हो गया। उनके रहने के लिए ठिकाना बना लिए, ये देखो यहाँ पे छेद बना के रखा ये। तो इनको मुरमुरा खिलाते हैं ताकि वे व्यस्त रहे मुरमुरा खाने में और गेहूं को ज़्यादा नुकसान ना करे। और खेत का नज़ारा कुछ इस तरीके से। तो ठीक है अपन अपने काम कर लेते हैं, फिर मिलता हूँ आपसे। सो गाइस अभी मैं आ गया हूँ दूसरा वाला खेत और यहाँ पे एक झाड़ गिरा हुआ है महुए का, तो उसके ऊपर खड़ा हुआ हूँ। काफ़ी ज़्यादा हाइट है, करीब 10 फीट, और ऊपर से काफ़ी अच्छी नज़ारा आ रहा है। पीछे वाले खेत पे सारे पे चना बोवाना हुआ और इस साइड पे गेहूँ, और ऊपर से अलग ही नज़ारा आ रहा है। कोई खास ज़्यादा हाइट भी तो नहीं हूँ, फिर भी महसूस करने वाले 5 फीट हो या 10 फीट या 50 फीट सेम ही लगता है, दिल से महसूस करना चाहिए। वाइस इस साइड से आया हूँ मैं अभी और यहाँ से ऊपर चढ़ा, क्योंकि नीचे पानी चल रहा ना, पैर खबना जाए, इस वजह से झाड़ के ऊपर से गीले जगह क्रॉस करने की सोच रहा था, पर इधर से उतरने के लिए जगह नहीं है, पर दिक्कत वाले है। ओए यहाँ पे पैर जमाना पड़ेगा बाबा, गिर ना जाऊं, और एक पैर आगे पे डालना पड़ेगा, पैर और गीले और है। फाइनली गाइस उतर गया हूँ झाड़ से, यहाँ से वहाँ पर पैर रखा, फिर एक पैर यहाँ पर रखा, ये देखो गीले मिट्टी लगा निशान दिख रहा, और नीचे आ गया हूँ। गाइस शाम हो चुका और अब मैं निकल रहा हूँ घर के लिए खेत से वापस, और मुर्गियाँ खरीद के लेके आ रहा हूँ। और मैं साइड में एक गाँव था, वहाँ एक लगाया था मुर्गी लेने के लिए, क्योंकि घर पर मुर्गी वगैरह नहीं है ना, तो जो खाना आना के शीतित पकड़ता है बेस्ट होता है यार, मुर्गी रहेगा तो कम से कम बिनकर खा तो लेंगे। वहाँ की वीडियो नहीं बना पाया यार, क्योंकि दौड़ दौड़ के भगा भगा के पकड़ रहा था ना मुर्गी को, इस वजह से वीडियो में बना नहीं पाया मैंने। आज है डे 2 और चाय और बिस्किट की नाश्ता कर रहा हूँ, वो भी बिगर मुँह धोले नाश्ता कर लेते हैं। और इस साइड पर सो रहा अंबिका, मुंह नहीं उठने वाले 8 से पहले। तो नाश्ता तो कर चुका हूँ, अब है समय मेहनत करने का सुबह सुबह, ताकि एक्सरसाइज भी हो जाएगा। और इधर पे चल रहा खुदाई, भांजा है वो कर रहा, वो अपन भी कांध बटाते हैं उसमें। फाइनल गाइस जगह बना कर क्लियर कर दी मैंने, और यहाँ पे लगाएंगे प्याज। तो यहाँ पे खोद कर सारे प्लेन कर दी मैंने, अब यहाँ पे लगा देंगे अपन प्याज।
इसलिए साइकिल दिखाने की ताकत आए है ना। तो पिसी के भी एक पाई पिसी। अभी गाइस क्रिकेट खेलने आया था, मैं निकल रहा हूँ घर के लिए, लड़के लोग खेल रहा, काम आ गया यार मेरे घर पे छोटे मोटे, तो मैं निकल रहा हूँ घर के लिए। काफी ज्यादा खेल लिए, 2-3 मैच खेल लिए, थकान महसूस होने लगा, बहुत दिन बाद खेला ना। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतने रखते हैं, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाकर कॉल पर प्रेस कर जाना, ताकि ऐसे ही देसी लाइफ स्टाइल भी लोग क्या इंजॉय कर सके। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी बड़ी सी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय मध्य प्रदेश। फिर मिलते हैं कल शाम को 5 बजे, तब तक के लिए बाय बाय।